हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो मैं आई हूँ बहुत टाइम बाद एक ब्लॉग लेकर के। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, यानी कि 5:30 होने में भी टाइम है, 10 मिनट के 5:21 हो रहे हैं तो अभी टाइम है। तो मम्मी रात में बहुत गुस्सा कर रही थी कि मैं थोड़ा यूट्यूब पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, एंड सीरियसली मैं थोड़ा यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे रही थी एंड मैं शॉर्ट्स बना रही थी तो मम्मी ने व्लॉग बनाने बंद कर दिए थे। तो मम्मी मुझसे 2 दिन से डेली बोल रही थी बट मैं नहीं बना रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया है आज से। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ, वरना मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। तो आज मैं जल्दी इसलिए उठी हूँ ताकि मैं पार्क जा सकूँ, बिकॉज थोड़ी सी ना मैं मोटी हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना वेट लूज कर लिया जाए तो इस वजह से आज मैं जा रही हूँ पार्क। तो अभी मौसी आएंगी, वो मुझे बुला के लेके जाएंगी, तो उससे पहले मैं रेडी होकर के आ गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ पानी गर्म पीने के लिए अपने। तो ये सिया सिंह भिगो रखे मैंने, या तो मैं इसे पी लूँगी या नॉर्मली अभी मैं गर्म पानी पी करके जाऊँगी। तो अभी मैं ये पी लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी पार्क। तो पार्क जाने के बाद फिर आके फिर मैं घर का काम करूँगी, तो मैं दिखाऊँगी आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। बट अगर हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है या एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताइए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सुधार सकें। क्योंकि वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते, जिस वजह से मम्मी ने वीडियोज़ बनानी बंद कर दी थी। थोड़ी मम्मी डिमोटिवेशन हो गई है, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ गाइस प्लीज़। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अंधेरा हो रहा है, 5:30 बजे ये जा रहे हैं पार्क। दो लोग, वो मौसी और ये कोमल दी है। अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है 5:30 बजे, इतनी ना ज़्यादा अंधेरा तो नहीं होता है, लग रहा है रात में उठ के जा रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही है। तो देखो दोस्तों अभी यहाँ पे सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए इतना बड़ा पार्क है ये। देखो ये मेरी मौसी बैठी है यहाँ पर और ये दीदी, क्योंकि अभी हम रनिंग करके आए हैं, मतलब रनिंग तो नहीं, आज फर्स्ट डे था तो अभी हम घूम करके आए हैं। तो अभी बैठे हैं तो टाइम हो रखा है 6:30, तो अभी हम जाएंगे घर पर, तो दिखाते हैं घर पर जाने के बाद खाना ही बनाना है। देखिए दोस्तों हम जा रहे हैं घर पर और ये सूरज निकल रहा है बट दिख नहीं रहा अभी, तो सूरज की किरणें भी पड़ी नहीं है क्योंकि अभी 6:30 नहीं हुए कंप्लीट, 6:30 होने में 5 मिनट है। ये देखिए एक बोरा सा हाथ में ले रखा है चुन्नी की तरह। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर में आ चुकी हूँ और टाइम हो चुका है करेक्ट 6:30 हो गया है, यानी कि 6:10 थे तब वहाँ से निकले, 6:30 होने में 10 मिनट थे तो वहाँ से निकल गए थे। तो आते मैंने सबसे पहले मोटर चालू करी है, मुझे भी मोटर चल रही है मेरी। तो अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं सोचूँ पंखा चालू कर लूँ, पर पंखा चालू करूँगी तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा पंखे की आवाज़ आती है। तो अभी मैं खाना बनाने जाऊँगी तो आपको दिखा दूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ क्या बनाऊँगी आज। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा चलो मम्मी पनीर और बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी सब्जी में, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, पनीर थे, मटर थे और आलू बैंगन भिंडी, तो ये तो खा खा के थक चुके, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आज अभी जो सब्जी हो रखी है वो एकदम सोने के भाव बिक रही है। तो इससे अच्छा तो मैंने बोला मम्मी आप चाप ही ले लो, तो मम्मी चाप लेके आई थी फ्रिज में रखे थे। तो अभी मैं जमी है बर्फ, अभी मैं इसमें पानी डालूँगी, यानी कि इसे पानी में डालूँगी गर्म करने के लिए, गर्म पानी में, ताकि इसका जो बर्फ़ है वो पिघल जाए और मैं इसे ईजिली काट के बना सकूँ। तो आप लोग इसे कैसे बनाते हो, लाइक साबुत बनाते हो या काट के बनाते हो, वो कमेंट करके बताना, बट मैं तो काट के बनाती हूँ। पहले स्टार्टिंग में बनाती थी कि साबुत बना लेते थे, बट हम काट के बनाते हैं क्योंकि साबुत में तो फिर एक ही इंसान के हिस्से में जा सकता है, तो इसलिए मैं इसे अभी काट के बनाऊँगी ताकि वो इक्वली सबके हिस्से में आ सके, क्योंकि अभी जो है इसमें 4 ही है और हम लोग भी 4 हैं, वैसे तो हम 4 एक एक खा सकते हैं बट नहीं,
जो काट के खाने में मजा आता है वो अगर हम ऐसे खाएंगे तो उसमें मसाला भी नहीं फील होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं आता, अंदर तक नहीं आता मसाला। तो अगर काट के बनाते हो ना आप लोग तो उसमें इजिली नमक घुस जाता है, मसाला अच्छे से ग्रेवी में मेल्ट हो जाता है उसके अंदर, तो वो इजिली अच्छे से टेस्ट भी लगता है खाने में, इजिली भी बन जाता है जल्दी से, तो बनते दोनों कंडीशन में जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा हवा खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी और झाड़ू में लगा के गई थी, तो अभी मैं पीऊँगी दोबारा से पानी जो कि मैं चढ़ाने को गर्म करने के लिए। और अभी कोई उठ के नहीं आया है तो अभी मैं ही उठी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रोटी बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ उसके साथ, आई एम कन्फ्यूज। आप लोग क्या बनाते हो, चाप बनाते हो टाइम, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते, मतलब रोटी बनाते हो पूड़ी बनाते हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताओ प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कर लो ना प्लीज़। तो अभी मैंने निकाली है मिर्ची और मेरे को इसे डालना है पानी में, तो मेरा पानी गर्म हो गया था तो मैंने ग्लास में निकाल लिया है जिसमें मैंने सिया सीड्स दिया था, तो उसी का गिलास है, देखो इसमें लगा हुआ अभी है सिया सीड्स और बहुत ज़्यादा गर्म है ये तो, और यहाँ पानी चढ़ा दिया है जिससे अब उसमें मैं ये डालूँगी जिससे इसकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी। और मैंने लिया 3 टमाटर और 3 प्याज और कुछ हरी मिर्च। सो आप लोग पीस के बनाते हो या कट करके बनाते हो मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके, और मैं तो चॉप करके बनाने वाली हूँ इसके अंदर, तो अभी मैं फटाफट छील लूँगी। इसके अंदर ब्लेड है वो लगती है, तो इसकी ब्लेड भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये ब्लेड है। तो अगर इसमें मैं करती हूँ ना तो लाइक इसका जो पेस्ट होता है ना वो एकदम पिसने टाइप हो जाता है, तो इसी में मैं अभी करूँगी इन दोनों को जिससे मेरी जो सब्जी की ग्रेवी होगी ना वो अच्छी बनेगी। आप लोग पीस के बनाते हो या कट करके बनाते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तभी मैं काट लेती हूँ फटाफट से हरी मिर्च, जल्दी से मैं हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। हरी मिर्च मैं क्या नहीं पीसी उसमें, हरी नहीं कर रही क्योंकि हरी मिर्च ना थोड़ी सी मोटी मोटी रह जाती है, वो अच्छे से नहीं हो पाती है, और फिर उसके बाद उसे खाओ तो मुँह में आती है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे बहन भाई है मेरे, मतलब छोटा भाई है एक, तो वो खा नहीं पाता है, जिस वजह से मैं इसे कट कर लेती हूँ हरी मिर्च को जितनी भी हरी मिर्च है। तो फ्रेंड देखिए मैं प्याज काट रही हूँ और ये हमारे प्याज हैं जो कि मुझे रुला रहे हैं सुबह सुबह। आप भी रोते हो क्या प्याज काटते टाइम, और कोई ऐसा भी है जो प्याज काटते टाइम ना रोता हो मुझे बताना, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से रुलाने वाला एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई बच्चा नहीं रोता है तो आप उसे दे दो प्याज काटने के लिए, वो अपने आप रोने लग जाएगा। तो ये हमारे बड़े भाई हैं जो कि हमें रुलाते हैं, उन्होंने फटाफट छील लेना सारे प्याज, तो मैं इसके अंदर इसे काट लूंगी अच्छे से, मतलब मोटा मोटा काट लूंगी मैं, ज्यादा बारीक नहीं करूंगी। बताओ सुबह सुबह मुझे रुला दिया है प्याज ने, अब मैं क्या करूं, सुबह सुबह आंसू आएंगे पूरे दिन रोना पड़ेगा, ये भी समझते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज मोटे मोटे काट लिए, मैं इसे कर लेती हूँ रस चिल्ली, फिर मैं दिखाती हूँ कैसे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ सारा कचरा फेंकने के लिए, और अरे मुझे करना है बनाने की तैयारी, तो मैं आज जल्दी हो चुकी हूँ, मेरी आंखों में ना नींद चुप रही है जमींदारी, क्योंकि आदत नहीं रही है मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने की। तो अभी जो मैं उठती थी वो उठती थी मैं 7 बजे, अब मैं उठी 5 बजे, तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। फ्रेंड्स आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही क्या? चुकी थी तो ये दोनों चीज रेडी है, तो अब मैं रेडी कर लेती हूँ उसके लिए मसाला। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पीस ले लेती हूँ जिसमें मैं निकालूंगी अपने खड़े मसाले। तो आप लोग पीस के मसाले डालते हो गर्म मसाले जो होते हैं, तो मेरे पास अभी
पिसा हुआ अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगी कि खड़े मसाले कर दूंगी डालूंगी ताकि उसका जो मतलब खुशबू होती है उसका जो टेस्ट होता है वो अटली सब्जी में आ सके। तो अभी मैं इसमें निकालूंगी थोड़े थोड़े सारे खड़े मसाले जो कि गर्म मसाले होंगे और उसके बाद मैं उसका मसाला तैयार करूंगी। लकड़ी बोलती हूँ बट मम्मा ने मुझे नाम बताया था इसका चीनी दाल है। और आपके यहाँ पे क्या क्या बोला जाता है वो भी मुझे बताना क्योंकि मेरे को तो लकड़ी नाम पता था इसका तो मैं लकड़ी नाम ही लेती थी इसका। तब मुझे मम्मी ने बताया कि इसका नाम लकड़ी नहीं चीनी दाल है तब से मैं चीनी दाल बोलने लगती हूँ इसे। से खड़े मसाले थोड़ा ज्यादा मसाला डाल देते तो मम्मी ने इसलिए बोला थोड़ा लाइट मसाला रखी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मसाले लिए जिसकी वजह से सबके पेट खराब हो रहे थे ज्यादा मसाला डालने से क्योंकि परसों मैंने राजमा चावल बनाए थे परसों नहीं उससे एक दिन पहले बनाए थे तो उस वजह से उसमें थोड़ा सा मसाला ज्यादा हो गया था तो सबका पेट खराब हो गया था तो इस वजह से मैं आज थोड़ा लाइट मसाला रख करके बनाऊंगी। उनका पेट ठीक करने के लिए इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे आंखों में देखिए इतनी तेज दर्द हो रहा है ना कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही आपको दिख रही होगी मैं बहुत तेज आंखों में ना दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं। मुझे ऑफिस भी जाना है खाना ही बनाना है तो इस वजह से मैं नहीं सो सकती। पर मैंने डाल दिया तेल उसमें तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं ले आती हूँ एक मसाला फटाफट से करके। तो देखिए मैंने प्याज उसमें मैश कर लिए हैं तो ये इस तरीके से बारीक हो गया देखिए तो ये इजिली अच्छे से भुन जाएंगे और जल्दी भुन जाएंगे क्योंकि जब हम पीसते हैं तो पीसते टाइम पे जब हम उसे भूनते हैं तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाते हैं यानी कि ब्राउन हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये जो है नाम भी भूल गई हूँ मैं जो मेरे चाप है वो मैंने फ्राई कर लिए मतलब उबाल लिए हैं इसके जो भी थी बर्फ वो सारी मेल्ट हो गई है क्योंकि मैंने इसे उबाल लिया है। तो थोड़ी देर बाद हम इसे कट कर लेंगे प्लेट के अंदर जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी सब्जी बनाने की तैयारी। मैं ले जाके ले आई हूँ मसाला ये मीट मसाला लेके आई हूँ मैं डालने के लिए उसमें और ये मैं मट्टी लाई हूँ खाने के लिए चाय के साथ ताकि मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना। गैस बंद करके गई थी ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए ज़्यादा गर्म होगा तो मसाले जो होते हैं वो जल जाते हैं तो इसलिए मैं बंद करके चले गई थी। और मैं निकाल लेती हूँ इसे क्योंकि इसे भी तो हमें काटना है ना ये तो यहाँ पे इसे मैंने पानी में से थोड़ा सा साफ कर लिया है पानी में से निकाल लिया है क्योंकि गर्म था बहुत ज्यादा तो मुझसे काटा नहीं जाता तो मैं फटाफट इसको भी काट लेती हूँ साथ के साथ। गरम गरम निकल भी रहा है धुआं जल्दी से काट लिया मैंने। मैं कर लेती हूँ मसाले भूनने के तैयार। जी मेरा गरम पानी था बहुत ज्यादा गरम हो गया था तो हो चुका थोड़ा ठंडा तो मैं पीने लायक हो गया मतलब
क्योंकि मैं गरम गरम पानी तो पी नहीं सकती है, तो मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब हो गया थोड़ा ठंडा नॉर्मल, मतलब पीने लायक, तो मैं इसे जल्दी से पी लेती हूँ। और साथ ही साथ अपनी सब्जी भी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगी हींग। हींग मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में बिना हींग के खाना मम्मी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बिना हींग के मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बनता, कोई भी सब्जी, कोई भी खिचड़ी, इनफैक्ट खिचड़ी तक में मुझे हींग डालनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं भूल गई थी तेज पत्ता डालना, जो कि मस्त है। तो मैं डाल रही थी तेज पत्ता भी। तो यहाँ मेरा मसाला भुनना स्टार्ट हो गया। मसाला मैं सारा डाल चुकी हूँ भून करके, तब ये मसाला भुन रहा है अच्छे से। और मैंने ये भी काट लिया था, आपको दिखाया था। तो मैं निकाले मैंने आटा, इसमें मैंने नमक डाला है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पराठे और रोटी। तो मेरे घर में बिना नमक के पराठे नहीं खाए जाते, इसलिए मैंने थोड़े ही नमक डाला है, जिस वजह से वो रोटी भी इजली खा सके और पराठे वो भी इजली खा सके। मैंने आटा गूंध लिया है। आटा गूंधने के बाद चढ़ा दिया गैस पे, तवा चढ़ा दिया रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे मसाला अभी तक भुना नहीं है, मतलब रेडी हो रहा है अभी, पूरी अच्छी तरीके से भुना नहीं है, तो इसका भुनने का वेट कर रहे हैं हम। और मुझे ये भी लग रहा है आज शायद मसाला फिर से ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं इस मसाले को निकाल लूँगी। नेक्स्ट ग्रेवी या कोई सब्जी बनाते मैं उसमें इस ग्रेवी को मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी बना लेते हैं फटाफट से रोटी। आप लोगों की फूलती है पहली रोटी या नहीं वो मुझे जरूर बताना, बट मेरी पहली रोटी। तो बन गई है मेरी सारी रोटी और पराठे। देखिए रोटी और पराठे मैंने बना लिए सारे कंप्लीट। यहाँ मैंने चढ़ा दिया मम्मी के लिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मम्मी को भी सिया सीट देने का टाइम हो रहा है क्योंकि 8 बजने वाले। और ये मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, तो अब मैं सबको दे दूंगी, मतलब चाय बना लेती हूँ, नाश्ता कराना है सबको, और मैं हो जाऊंगी फटाफट से रेडी ऑफिस जाने के लिए जाऊंगी। तो आज यहीं तक आपका, मतलब यहीं तक मैं अभी एंड करती हूँ।